नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की है, वो है ग्रांट चार्ट से रिलेटेड, जिसे आपने देखा कि किस तरीके से हम ग्रांट चार्ट पाई चार्ट के मदद से बनाते हैं। अगला हमारा सवाल यह है कि क्या हम ग्रांट चार्ट को बिना किसी चार्ट की मदद से फॉर्मूले से बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। चलिए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट है, डेज है और ये हमारा एंड डेट है। सबसे पहले मुझे जो पीरियड में हमारा प्रोजेक्ट हुआ है उसका डेट यहाँ रखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मिन करता हूँ, मिनिमम डेट इसमें की मतलब कि किस दिन हमारा सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ये हमारा मिनिमम डेट आ जाता है। फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर इसमें प्लस वन होने पे क्या वो मैक्स इस डेट से बड़ा है तो वहां पे ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज इसमें प्लस वन हो जाए तो डेट जो है उसी पीरियड का यहाँ पे आएगा। बट यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसको फ्रीज कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और इसको आगे की तरफ अनुमानन कि आप 30 दिन का या कितना दिन का आपका होता है उतना दिन का डेट आप रख लें। ऐसा हो सकता है कि एरर यहाँ पे आए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपको एरर आ रहा है, ऐसे भी एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इफ एरर और यहाँ पे हम इसको ब्लैंक कर देते हैं एंटर मारते हैं, आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं तो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा एक कंडीशन देना है कि इफ अगर ऊपर वाली डेट ग्रेटर देन, यहाँ पे एंड देना पड़ेगा, यहाँ पे एंड का फीचर एंड है, एंड ऊपर वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और ऊपर वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू हमारा एंड डेट है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे वन दे दो, अदरवाइज और इसको आगे ड्रैग करने से पहले ई वन का वन फ्रीज होगा, बी टू का हमारा बी फ्रीज होगा और डी टू का हमारा सिर्फ डी फ्रीज होगा, पूरे डेटा के ऊपर फिल कर दिया जाएगा। फिल करने के लिए हमें कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर का इस्तेमाल करें, तो जहां जहां है वहां वहां वन आ जाएगा, वन आ गया। अब इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल, एक मिनट, यहाँ इक्वल टू भी कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू वन और यहाँ इसकी फॉर्मेट में हम आते हैं। फॉर्मेट में हम बॉर्डर पे सबसे पहले आएंगे और बॉर्डर की कलर को हम व्हाइट ले लेते हैं और एक ऊपर नीचे का बॉर्डर देते हैं। उसके बाद फिल कलर में हम यहाँ पे ग्रीन या कोई और कलर ले लेते हैं एंड ओके करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें हम एक काम और करेंगे, इसका जो फॉन्ट कलर है उसको भी वाइट ग्रीन कर देंगे, मतलब कि जैसा बैकग्राउंड कलर ऐसा फोरग्राउंड कलर। तो इसमें क्या हुआ कि आपका वन दिखेगा नहीं, एंड ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ग्रांट चार्ट आपका तैयार। थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करता हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ पे डी डी दे देता हूँ सिर्फ, फिर पूरे सीट को सेलेक्ट करके किसी भी सीट के बॉर्डर के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए तो
थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो आपके सामने ये हमारा ग्रान चार्ट बन गया, वो भी बिना किसी चार्ट के थ्रू। इसके बैक पेज लेआउट में जाता हूं और इसकी बैकग्राउंड को ग्रिड लाइन को चेक कर देता हूं तो थोड़ा बेटर दिखेगा। ये रहा ग्रान चार्ट विदाउट आपका क्या बोलते हैं किसी चार्ट को यूज ना करते। इसमें और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि जो करेंट डेट जो चल रहा है भाई, आज के डेट कौन सा चल रहा है, उसमें कहाँ है, वो आपका इस तरह से हाईलाइट रहेगा। तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं। तो ये चीजें हम आगे की क्लासेस में करेंगे और इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियोज को देखते रहें। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे नंबर्स हैं, वेबसाइट है, मेरे स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं। मुझे स्काइप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम हर व्यूवर को टेलीफोनिक सपोर्ट देते हैं, सिर्फ टेलीफोनिक सपोर्ट देते हैं। आप हमारे चाहे तो पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो सीरीज को जिसमें सिक्वेंसली हर एक चीज होगा, या फिर मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप से। तो सबसे पहले तो मेरा नंबर को सेव कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।